जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट। आई नो कि आप अभी भी लगे हुए हैं अपनी सीबीटी की तैयारी में, बट साथ ही साथ आपको अपनी जनरल अवेयरनेस को भी इंक्रीज करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इंक्रीज होने के लिए बहुत टाइम लेती है। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पैनल इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो एस्पिरेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम आपको ऐसी वीडियोज देंगे जिनमें हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट दी कॉलेजेस, अबाउट डिफरेंट जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो रहेगा आर्मी हॉस्पिटल आरआर के बारे में, जो कि वन ऑफ द सिक्स कॉलेजेस है। आपको सबको पता है एस्पिरेंट्स कि आपके पास सिक्स एमएनएस के कॉलेजेस हैं, ठीक है, सिक्स एमएनएस कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, ये राइट। तो उनमें से ही एक सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल को इट इज ऑल्सो नोन एज आर्मी हॉस्पिटल आर आर हॉस्पिटल के नाम जानते हैं, एंड इज द फ्लैगशिप मेडिकेयर सेंटर फॉर द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में, पूरे इंडिया में आर्म फोर्सेज की अगर हम फैसिलिटीज या हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें ये एपेक्स यानी कि टॉप पोजीशन सिक्योर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल्स इन एशिया। यानी कि जितने भी लार्ज मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, उनमें से एक है हमारा आर्मी हॉस्पिटल आरआर, जो कि कहाँ पर है, जो कि है न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, इट इज अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, विथ हाईली क्वालिफाइड स्टाफ एंड अल्ट्रा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एंड हैज द मोटो ऑफ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज एंड पेशेंट केयर। यानी कि इनका मोटो ही यही है कि हम कितना डे बाय डे इम्प्रूव करें। जैसे आप सभी को क्या करना होता है, डे बाय डे इम्प्रूव करना है अपने सीबीटी और इंटरव्यू के लिए, ताकि आप एमएनएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। सो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो एमएनएस का एग्जामिनेशन होना है वो कहाँ होना है, वो होना है बेस हॉस्पिटल, ठीक है, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, ठीक है, कहाँ पे होना है, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होना है। बट अब सेम टाइम बात आती है कि चलो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में तो हो गया, ठीक है, एमएनएस का जो भी टू डे का प्रोसीजर होगा, ठीक है, टू डे का जो प्रोसीजर होगा वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि आर्मी हॉस्पिटल आरआर की, तो आपसे पूछा क्यों जा सकता है और इम्पॉर्टेंट क्यों है वो बता देते हैं। इम्पॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जब आप एमएनएस अपना सीबीटी का एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपसे दो बुकलेट्स भरवाई जाती हैं, एक मेडिकल बुकलेट होती है और एक आपकी नॉर्मल बुकलेट होती है, लाइक ए पीआरक्यू फॉर्म, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। उनमें से एक डिटेल होती है कि आप क्या चॉइस देते हो, क्या प्रेफरेंस देते हो उन सिक्स कॉलेजेस को। तो हर कॉलेज का नाम लिखा होता है, आपको 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंगली नंबर्स डालने होते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस इस हॉस्पिटल को देते हो एज योर ट्रेनिंग कॉलेज, तो आपको ये बात पूछी जा सकती है इंटरव्यू में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने, हो सकता है, प्रेफरेंस किसी और कॉलेज को दिया हो, बट आपसे फिर भी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि अच्छा आप दिल्ली आए हो तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे भी एक कॉलेज है एमएनएस का, तो कौन सा कॉलेज है, आप नाम बताओगे। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल कर सकते हो, तो यस, आप उसकी जगह बता सकते हो, उसको लोकेशन बता सकते हो, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हाईलाइटेड वो आप बता सकते हो। और साथ ही में ये भी बता सकते हो कि वहाँ पर अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं या रिसेंट न्यूज़ क्या क्या रिलेटेड हैं। तो आज उससे रिलेटेड दो न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि वहाँ पर अभी फर्स्ट स्किन बैंक लॉन्च किया गया है। और आप थोड़ा सा फोटो को ध्यान से देखें, यहाँ पर भी एक एमएनएस ऑफिसर है इतने सारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स के बीच में। सो एस्पिरेंट्स, आप बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्किन बैंक का मतलब क्या है, यानी कि जो स्किन बर्न, ठीक है, स्किन बर्न के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, स्किन बर्न के ट्रीटमेंट के लिए ये एक नई फैसिलिटी शुरू करी गई है अंडर द प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। एस्पिरेंट, जैसे कि आपने सीड बैंक्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, सीड बैंक्स होते हैं, वहाँ पे सीड स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसे यूज कर पाते हैं, ऐसे ही आपके ये स्किन बैंक भी होने वाले हैं, जहाँ पर पेशेंट्स के स्किन को प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि इनकेस किसी और पेशेंट को या उस सेम पेशेंट को कभी इन द फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है किसी इंजरी की वजह से, तो हम उसके
लिए यूज कर पाएंगे उस स्किन, प्रिजर्व्ड स्किन को। सो एस्पिरेंट्स ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आर्मी हॉस्पिटल आरआर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात, MNS SSC, आप सभी जानते हो MNS SSC की नोटिफिकेशन आई थी, इसी साल आई थी 2024 में, जिसकी वजह से ये 5 ऑफिसर्स देख सकते हो जिन पे कैप है, ऑफिसर्स कैप है, उनको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है एज द लेफ्टिनेंट इनटू द MNS एट द आर्मी हॉस्पिटल RR। और ये सब पहले से ऑलरेडी BSc नर्सिंग कर चुके हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बट आप क्योंकि 12th पास आउट हो, इसीलिए आपको नीट एग्जाम के थ्रू जाना पड़ेगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो एस्पिरेंट्स अगर आप भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस, जहां पर आपको बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी। और ये बैच इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एस्पिरेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है उस बारे में भी जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मिलेगा पैट की पूरी जानकारी, और साथ ही साथ आपको मिलने वाली है इंटरव्यू की पूरी जानकारी। इंटरव्यू की जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको फ्री MNS पैनल इंटरव्यू सेशंस भी मिलने वाले हैं, यानी कि आपको पैनल इंटरव्यू की टेंशन नहीं है। कम से कम अगर मैं बहुत मिनिमम भी बताऊं तो भी हर कैंडिडेट को 3-4 पैनल इंटरव्यू के मॉक सेशंस मिलने वाले हैं। और साथ में आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंडिविजुअल फीडबैक, आपके हिसाब से क्या बेहतर होना चाहिए रिस्पॉन्स वो आपको बताया जाएगा, आपसे कितने टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा। तो इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक्सक्लूसिव फीचर है, जिसकी वजह से सालों से सिलेक्शंस होते आ रहे हैं हर डिफेंस एग्जामिनेशन में। सो एस्पिरेंट्स करना क्या है, बहुत छोटा सा करना है आपको काम, और उस काम में आपको डायल करना है ये नंबर 9795977776, और आपको सारी डिटेल्स ले लेनी है, जल्दी से एनरोलमेंट ले लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो नीट का भी सिलसिला चल रहा है उसके बाद कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा रीनीट का, और 8 जुलाई को लास्ट हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसके बाद हो सकता है कि इंडियन आर्मी रेडी हो अपनी नोटिफिकेशंस के साथ, अपने फॉर्म्स के साथ, और वो जल्दी से आए और अपने फॉर्म्स को एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप अच्छी तैयारी कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम हो सकता है फिर आपके पास हार्डली 10-15 डेज हो और आपको रिपोर्ट करना पड़े अपने CBT के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वो दे चुके हैं। तो ये वो मान के चलते हैं कि बच्चे यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो आपको भी एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह, अपने रियल एस्पिरेंट की तरह मोटिवेशन को बनाए रखना है और अपनी स्टडीज पर फोकस रहना है। तो इसीलिए आप ये बैच एनरोल कर लोगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, CBT पैट इंटरव्यू की तैयारी एक ही बैच में कंप्लीट हो जाएगी। तो एस्पिरेंट्स आई होप कि ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी बेनिफिटेड रही होगी। ऐसी और सीरीज आती रहेंगी, इस सीरीज में और वीडियोस जोड़ेंगे इंपॉर्टेंट। सो बने रहिए MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन के साथ, सब्सक्राइब करिए और अपने शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि मिलिट्री या डिफेंस या किसी भी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आपको काफी पसंद भी आया होगा। और इसी सीरीज में हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन के चैनल पर, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद।